साथियों, आजादी के इस अमृत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ, ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। देश के जिन छोटे किसानों की चिंता चौधरी साहब को थी, उनके साथ सरकार एक साथी की तरह खड़ी रहे, ये बहुत जरूरी है। इन छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या 80% से ज्यादा है, यानी देश के 10 किसानों के पास जो जमीन है उसमें 8 किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, 10 में से 8। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर के भी जो परेशानियां आती थी, उन्हें लगातार कम किया जा रहा है। बीते 4 साल में यूपी के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। आने वाले साल तो यूपी के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है, बायोफ्यूल बनता है, उसका उपयोग ईंधन में बढ़ाया जा रहा है। इसका बड़ा लाभ पश्चिम यूपी के गन्ना किसानों को भी होने वाला है।